विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर राजेश्वरी मोदी, जिन्हें लोग प्यार से राज दीदी कहते हैं, इनके विशेष सेशन का आयोजन किया गया। राज दीदी नारायण रेकी सत्संग परिवार की संस्थापिका हैं और साथ ही साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में एक प्रख्यात नाम है। जयपुर में संस्था की ओर से विशेष सेशन आयोजित हुआ, जिसमें शिरकत करने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे और इसी खास मौके पर राजेश्वरी मोदी से खास बातचीत की हमारी सहयोगी डिम्पल शर्मा ने। आजकल के इस दौर में जहां हर व्यक्ति अपनी भागदौड़ और कामकाज भरी जिंदगी में व्यस्त है, हर एक व्यक्ति के दिमाग में मानसिक चिंतन के तौर पे, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर हो, पारिवारिक स्थिति को लेकर हो या किसी भी रूप में हो, वो घर करने लगा है। और इन्हीं सब से उभरने के लिए मददगार साबित हुई है नारायण रेकी संस्थान। और आज हमारे साथ खास संवाद के लिए मौजूद हैं विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर और NRSP की संस्थापिका राजेश्वरी जी मोदी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहला सवाल यहीं से करना चाहूँगी, क्योंकि रेकी ऐसी प्रोसेस है जो काफ़ी लंबे समय से होती आ रही है। अगर नारायण रेकी संस्था का पूछा जाए तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, नारायण रेकी संस्थान की शुरुआत हुई लगभग 27-28 साल हो गए, है ना। और दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि इस संस्था का उद्देश्य क्या है। इस धरती पर देखो, मनुष्य देह, शास्त्र कहता है कि मनुष्य देह दुर्लभ है, देवता भी इस मनुष्य देह को पाना चाहते हैं, है ना, जो हमें मिली है। तो ये जो जीवन हमें मिला है, हर एक व्यक्ति सुख शांति सेहत समृद्धि खुशी आनंद उत्साह उन्नति प्रगति सफलता प्यार आदर सम्मान भरा जीवन जिए, इस उद्देश्य को लेकर संस्था चल रही कि हर एक व्यक्ति के जीवन में सातों सुख जिनका शास्त्रों में वर्णन दिया गया है वो उसे मिले। क्योंकि ऐसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई ऐसी परेशानियाँ होती है, क्योंकि रेकी बहुत पुरानी प्रोसेस है, इसका मेल नारायण रेकी संस्था से किस तरह से हुआ, इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, आपने सही कहा कि रेकी बहुत पुरानी पद्धति है। जो पुरानी पद्धति है उसमें किस तरह से सिखाया जाता है कि कुछ सिंबल और कुछ मंत्र आपको दिए जाते हैं, उसको लेकर आपको बैठकर एक जगह साधना करनी होती है। और आज के व्यस्त जीवन में व्यक्तियों के पास इतना समय नहीं है कि बैठकर हीलिंग देवे। तो ध्यान साधना के दौरान ये टेक्निक समझ में आई कि हम यदि इसके साथ इन सिंबल मंत्रों के साथ राम राम का उच्चारण जोड़ लेते हैं, तब चलते फिरते उठते बैठते काम करते करते आसानी से कर सकते हैं, आपको अतिरिक्त समय देने की ज़रूरत नहीं है, तो कार्य बहुत आसान हो गया हमारा राम राम के जुड़ने से। देखिए, क्योंकि सही कहा आपने, क्योंकि अध्यात्म बहुत महत्व रखता है किसी के भी जीवन में, लेकिन आध्यात्मिकता से कहा जाता है कि प्रार्थना से ही अगर मैनिफेस्टेशन जिसे बोलते हैं, अगर सारी मनोकामनाएं जो होती है वो पूर्ण हो सकती है, हाँ। तो कर्म का यानी कि हार्डवर्क का क्या रोल रह गया है किसी व्यक्ति के जीवन में? हम लोग आपसे ये नहीं कहते हैं कि कर्म मत करो, कर्म के साथ साथ प्रार्थना करो, कर्म करते वक्त प्रार्थना करो, कर्म पूरा होने के बाद प्रार्थना करो, ताकि जीवन में सफलता हासिल कर सको और बैलेंस चले। आजकल की लाइफ आप जैसे खुद ही बोलने की इतनी फास्ट चल रही है, यदि व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा रहा तो संतुलित रहेगा वो, अन्यथा कितने केसेस आप लोग भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं ऐसे बहुत सारे केसेस, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल सुनाई देती है आज के दौर में, कई तरह की घटनाएं हो, और अगर इन पर ही बात की जाए कि उस प्रेयर का मैनिफेस्टेशन का, जिस प्रेयर से एक मैनिफेस्टेशन इंसान कर सकता है, उस प्रेयर का क्या महत्व है एक इंसान के जीवन में, क्योंकि अब उतना समय नहीं निकाल पा रहा है कोई भी व्यक्ति, तो क्या उसका भी कोई समय निर्धारित है, क्या कम समय के लिए कर सकता है जिसके पास कम समय है? देखो, हम तो कहते हैं कि जितना समय आप दे सकते हैं प्रार्थना करने में दीजिए, पहली बात है ना। और हमारी जो प्रार्थनाएं चलती हैं उसमें कोई बंधन नहीं है आपको कि आपको इस वक्त ही करना है, एक जगह बैठकर ही करना है ना, आप अपना काम करते जाइए, प्रार्थना करते जाइए और वो आपकी फलीभूत होती जाएगी। और जो कई लोग बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन, जो आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं कि आपको एक जगह देख के कॉन्सेंट्रेट करना है, उसी को फोकस करना है ताकि वो चीज़ें आप अपने जीवन में हासिल कर सकें, हमारा थोड़ा सा तरीका अलग है बताने का कि आप राम राम के उच्चारण के साथ भी उन चीज़ों को आसानी से जीवन में पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। क्योंकि आपने कहा कि इन चीज़ों से भी वो चीज़ें पा सकते हैं आप जो आप पा सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ, क्योंकि
नारायण रेखी संस्था ऐसी संस्था है जो और सामाजिक कार्यों में भी है और सामाजिक कार्य भी कई तरह की करती है, चाहे बच्चों से जुड़ी कई चीज़ें हों, कार्य हों, या फिर महिलाओं को बहुत सारा बहुत अधिक ये कह सकते हैं बहुत संख्या में जोड़ने का कार्य हो, रोज़मर्रा की चीज़ें भी आप सुनती हैं महिलाओं से, तो उसका उतना प्रभाव क्यों नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट वैसा क्यों नहीं हो पा रहा जिस तरीके से होना चाहिए? जो इम्पैक्ट आप देख रहे हैं वो कई गुना अधिक है। आज देखिए घर घर में महिलाओं का जीवन संवरा है, जो लोग इन चीज़ों से हमारे जुड़े हुए, हम नया कुछ नहीं सिखा रहे हैं। जो चीज़ें हम लोगों को बचपन में सिखाई गई थी, ईमानदारी, वफादारी, सच बोलना, वही चीज़ें वापस सिखा रहे हैं, उसकी वजह से लोगों का जीवन बेहतर होता जा रहा है। जो लोग भी ये कह सकते हैं अध्यात्म के साथ जुड़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते चले जाते हैं, उनका एक सवाल हर किसी के मन में एक सवाल होता है कि उसी में बरकरार रहने के लिए, उसी में लगातार रहने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि उसी शरण में रहा जाए और उसे एक तरह से कंटिन्यू प्रोसेस की तरह किया जाए। लोगों के बीच ये गलत धारणा है कि अध्यात्म यानी 24/7 भगवान का स्मरण करना है ना, वो अध्यात्म नहीं है। हमारे NRSP के हिसाब से आपके जो कर्तव्य है, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, इसे निभाना, ये अध्यात्म है। तो ये तो आप करते ही है ना, इसको 100% ईमानदारी से निभाना है। देखिए मैंने शुरुआत में एक जिक्र किया कि कई तरह के मानसिक चिंतन हर इंसान के दिमाग में होने लगे हैं, चाहे किसी हादसे से जुड़े होते हैं, कई बड़े हादसे ऐसे होते हैं जिनसे उभरने के लिए व्यक्ति को समय लग जाता है। तो रेकी हीलिंग प्रोसेस इस तरह कैसे इफेक्टिव होती है, इसमें किस तरह से मदद करती है रेकी? रेकी हीलिंग थेरेपी है, इसे जितना आप नियमित तौर पर इसका प्रयोग करते हैं ये 100% काम आती है। और कितने आपने शेयरिंग यदि सुना होगा तो, और नहीं तो आपकी मैम ने भी सुना हुआ है कि जहाँ पर डॉक्टर जवाब दे चुके थे उनको भी रेखी हीलिंग द्वारा स्वस्थ किया गया है। देखिए एक अध्यात्म से जुड़ी एक धारणा लोगों के मन में होती है कि अगर मैं स्पिरिचुअल हूँ तो कहीं ना कहीं जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लगते हैं वो साइंस और स्पिरिचुअल, वो स्पिरिचुअलिटी में एक हमेशा से एक वाद विवाद हमेशा से रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं? हमने कहा ना हमारी अध्यात्म की परिभाषा अलग है। 24/7 भगवान का स्मरण करना वो नहीं आता है। आपके जो कर्तव्य हैं, जो जिम्मेदारियाँ हैं, उनको आपको 100% निभाना, ये अध्यात्म के अंतर्गत आता है। और अपनी जिम्मेदारियां निभाते वक्त जो भगवान का स्मरण करते हैं ये अध्यात्म के अंतर्गत आता है। देखिए क्योंकि नारायण रेखी संस्था की संस्थापिका हैं आप और लंबे समय से इससे जुड़ी हैं, तो अगर पूछा जाए कि इसका प्रकृति से क्या संबंध है, क्या कहना चाहिए? ये 100% प्रकृति पर ही चलती है। हमारी जो रेखी प्रकृति के साथ चलती है, जैसे प्रकृति का स्वभाव है देना देना देना, प्रकृति का स्वभाव है निरंतर देते जाना। हम लोगों का भी स्वभाव है, हम देने में विश्वास रखते हैं, कंट्रीब्यूट करने में, सहयोग देने में विश्वास करते हैं। दूसरा वॉट एवर यू गिव यू रिसीव, ये प्रकृति का नियम है। आप जो बीज बोते हैं वही अंकुरित होकर फलित होता है। तो इस नियम को ध्यान में रखते हुए हम लोग रेखी में भी वही करते हैं कि हमें अच्छे कार्य ही करने हैं ताकि अच्छे कर्म संचित हों, अच्छे फल हमें मिले। कर्म से ही बहुत इसका एक कह सकते हैं ताल्लुक बहुत है। और अगर ये पूछा जाए कि क्योंकि नारायण रेखी संस्था इससे जुड़ी है, कई ऐसी संस्थाएं होती है जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से जोड़ने के लिए, कि बहुत से लोगों को ऐसा जरिया नहीं पता होता, ऐसा माध्यम नहीं पता होता, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या मतलब मैसेज जाए लोगों तक, एक संदेश जो मैसेज जाए लोग? देखो ऐसा है ना, हमारे एडवर्टाइज नहीं चलता है ना। जो लोग जुड़ते हैं और जब उनके जीवन में वो परिवर्तन पाते हैं तो वो अन्यों को जोड़ते चले जाते हैं। इसलिए विश्व के हर कोने में आज हमारी संस्था बनी हुई है, कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं, हर तबके के लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए कि एक जुड़ता है, फॉलो करता है, उसको बेनिफिट मिलता है, वो और लोगों को जोड़ता जाता है। तो माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी आप बोलते हैं ना, वो अपने आप हमारी होती जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। हाँ,
बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि नारायण रेखी संस्था रेखी हीलिंग प्रोसेस हो चाहे और भी चीज़ें हों, कई सामाजिक कार्यों में भी कई तरह से, तो एक मैसेज जो पब्लिक के लिए आप कहना चाहेंगे, क्योंकि कई तरह की चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पे हो, कई चीज़ें हम सुनने को भी आती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक ही बात बोलना चाहेंगे कि आपके मुख से जो शब्द निकलते हैं, है ना, जिन शब्दों का आप दिन भर में उच्चारण करते हैं, वैसा दिन वैसा जीवन आपका बनता चला जाता है। इसलिए सही उचित सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करें, ताकि जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा जीवन आप जी सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। अध्यात्म का जीवन में बहुत महत्व होता है, और अध्यात्म से जितना जुड़ा जाए उतना ही किसी के लिए भी, क्योंकि आजकल के इस दौर में हर व्यक्ति अपने लिए समय निकालना भूल गया है। कामकाज इतना है, भागदौड़ इतनी है, लेकिन खुद के लिए समय ज़रूर निकालें। और अगर ऐसी कोई संस्था आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि नारायण जी की संस्था भी इसमें काफ़ी मददगार साबित हुई है, ऐसे भी जुड़ सकते हैं, खुद भी इस चीज़ के लिए एक पहल कर सकते हैं, एक शुरुआत कर सकते हैं, तो उनसे जुड़कर भी एक शुरुआत इसकी की जा सकती है। नमस्कार, मैं दिनकर शर्मा।